हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल डिशेस विद लिपिका। आज हम बनाएंगे रिच एंड क्रीमी चॉकलेट शॉट डेजर्ट। ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली डेजर्ट है। किसी भी पार्टी, किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, आप ये घर पे बना सकते हैं और इंडिविजुअल सर्विंग के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो चले हम देख लेते हैं ये चॉकलेटी डेजर्ट हम कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे 250 ml दूध और उसमें मैं डालूंगी 4 tablespoons मिल्क पाउडर, 1.5 tablespoons यहाँ पे डालूंगी कॉर्नफ्लावर और 2 tablespoons डालूंगी कोको पाउडर। फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना हो। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम एक स्ट्रेनर डालकर ये वाले मिक्सचर को स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद फ्लेम ऑन करेंगे और हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाएंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अब ये थोड़ा गर्म हो गया तो हम यहाँ पे 3 या 4 tablespoons चीनी डाल देंगे, वो आप अपने हिसाब से डालिए। देखिए अब ये थिक होने लगा है, जैसे इसमें बबल्स आने लगेगा तो हम गैस बंद कर देंगे। अभी हमें कंटिन्यूअसली इसे स्टर ही करते जाना है। ये देखिए बबल्स तो आने लगा है, तो हम अब गैस से इसे हम नीचे उतार लेंगे। हम अब इसे निकाल कर एक दूसरे बोल में डालेंगे और यहाँ पे 1/2 teaspoon वैनिला एसेंस और 1 tablespoon बटर डालूंगी और यहाँ पे चॉकलेट डालेंगे। आप कोई भी चॉकलेट डाल सकते हैं, आज मैं डेरी मिल्क डाल रही हूँ, आप डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है आप वही डालें। 120 ग्राम चॉकलेट डालूंगी और फिर 1 मिनट के लिए वेट करूंगी और फिर हमें इसे कंटिन्यूअसली से विस्क करती जाना है जब तक ना पूरा चॉकलेट मेल्ट हो जाए। रिचनेस और शाइन के लिए हमने बटर भी डाला है, तो देखिए इसका कलर कैसे दिख रहा है, अभी कितना ग्लॉसी दिख रहा है, चॉकलेट भी मेल्ट हो गया। और इसे हमें थोड़ा ठंडा भी करना है, तो हम इसे ऊपर से एक क्लिंग रैप से ढक देंगे और फिर इसे हम फ्रिज में आधे से 45 मिनट्स के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया, हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया। हम इसे एक और बार विस्क कर लेंगे तो इससे ये और ज़्यादा इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा। अब हम शॉट ग्लासेस ले लेंगे और उसमें इसे पोर करेंगे, ऐसे सारे ग्लासेस में पोर करेंगे। इस मेजरमेंट से मेरा टोटल 8 glasses बना है। अब हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे, 2-3 घंटे बाद ही आप इसे ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से थोड़ा चॉकलेट शेविंग्स डालकर सर्व करूंगी। आप व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, अपनी पसंद का कुछ भी डालकर आप सर्व कर सकते हैं। आप भी ये रिच और लशियस चॉकलेट शॉट्स घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।